इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर है, जहां ननी सीरत ने पीएम मोदी को वीडियो भेजा है। छात्रा सीरत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्लीज मोदी जी, हमारे लिए अच्छा स्कूल बनवा दो। पीएम मोदी से अच्छा स्कूल बनाने की बात छोटी सी बच्ची ने कही है और अपील कर रही है, हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे से पढ़ सके, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये जम्मू कश्मीर से है, जहाँ पर एक अच्छा स्कूल बनाने की मांग एक छोटी सी बच्ची प्रधानमंत्री मोदी से करती नजर आई। कहा है, हमारे लिए अच्छा सा स्कूल बना दीजिए और चूंकि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, इसी के लिए एक अच्छी पढ़ाई मेरे लिए जरूरी होगी। तो फिलहाल आपको बता दें, ये कठुआ से बड़ी खबर है और इसी के साथ साथ नन्ही सीरत जो है वो वीडियो, एक वीडियो मैसेज पीएम के नाम पे भेजा है। चलिए नन्ही सीरत क्या कुछ कह रही है अपने वीडियो संदेश में, जरा सुनिए। मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोही मल्हार में रहती हूँ। मेरे को ना, मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो, हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठाते हैं फिर। आप प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है, हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमें हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मामा मारती है, हमारे पास बेंच भी नहीं है। देखो मोदी जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? हम गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में। तो अभी हमने देखा, पीछे आपने एक वीडियो डाली थी। हाँ जी सर। तो किस लिए थी, क्या बात हुई? सर, हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था। देखो, हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने नया, हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम आईएएस ऑफिसर बन सके। हमें बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी ताकि हमारा स्कूल अच्छा बने और हमें डेस्क मिले। देखिए आपने किस तरीके से एक नन्ही सी बच्ची जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उसका कहना है कि यहाँ देखिए सीढ़ियाँ उसने दिखाई हैं और इसी के साथ साथ स्टाफ रूम दिखाया, प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाया, कहा कि ये जो उखड़ी हुई सड़कें हैं, उखड़ी हुई जो क्लासरूम है, इस पर उसको बैठना पड़ता है, इस पर उसे पढ़ना पड़ता है। चलिए, इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन पर सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। सीएम निवास पर विभिन्न गुरुद्वारों के पदाधिकारियों ने धन्यवाद देते हुए कहा कि बोर्ड के जरिए समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन के कार्य संपादित होंगे, इससे समुदाय का सर्वांगीण विकास होगा। वहीं सीएम गहलोत ने इस दौरान जनसुनवाई कर आमजन के अभाव अभियोजन सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश जारी किए हैं। इधर जयपुर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों में एक कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं, जहां शिक्षक संगठन के कर्मचारी की ओर से कहना है कि हम आपकी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे, वहीं निर्वाचन आयोग को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देश के अंदर चुनाव परिणाम आने के बाद में कांग्रेस पार्टी कई बार ईवीएम मशीन के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर कई सवाल उठा चुकी है, लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि जब परिणाम उनके अनुकूल आते हैं तो वो कहती है कि
चुनाव निष्पक्ष हुआ है, निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का काम किया है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक सार्वजनिक कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति और उस उपस्थिति के अंदर एक कर्मचारी संगठन जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, जो रेसा पी के प्रदेशाध्यक्ष दयालाल पाटीदार के द्वारा ये कहना कि मुख्यमंत्री जी हम आपकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और जितने भी यह शिक्षक उपस्थित है वो सबके सब शिक्षक रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं, इन्हीं के पास ईवीएम मशीन रहती है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार सार्वजनिक मंचों के ऊपर दिया गया भाषण उनके सेवा नियमों का भी उल्लंघन है और तत्काल निर्वाचन आयोग को भी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। इधर पंजाब और दिल्ली पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में मोहाली के सेक्टर निवासी की अमृतपाल में दो सहयोगियों को हिरासत में लिया है। इनके नाम गुरुजंट और निशा रानी है। इन पर अमृतपाल को पनाह देने और संसाधन पहुंचाने के आरोप लगे हैं। गुरुजंट को अमृतपाल का करीबी बताया जा रहा है। अमृतपाल को फरार हुए पूरे एक महीने बीत चुके हैं और इसी दौरान पुलिस ने उसके कई करीबियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस को दिल्ली पुलिस ने सूचना दी थी कि अमृतपाल को फरार करने और पनाह देने वाले उनके दो सहयोगी मोहाली के सेक्टर निवासी में छिपे हुए हैं। इधर सूचना मिलते ही दिल्ली और मोहाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सेक्टर के एक मकान को घेरा है और वहां से गुरजंट और निशा रानी को दबोचा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंबई की बोरीवली पुलिस स्टेशन के साइबर अधिकारी ने कथित आर्मी एयरफोर्स के जवानों को गिरफ्तार किया जो फेसबुक पर दीपक सुर्वे नाम से आर्मी और एयरफोर्स की आईडी लगाकर पहले लोगों से दोस्ती बढ़ाता था, बाद में आर्मी की कैंटीन से सस्ते और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करता था। वहीं साइबर पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने अब तक 56 लोगों को फेसबुक पर फेक आईडी दिखाकर उन्हें अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने आरोपी विनोद गायकवाड़ को नवी मुंबई के बेलापुर इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के पास से फेक आर्मी और एयरफोर्स की पट्टा और आईडी कार्ड सहित 12 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। खाता संख्या बढ़ती जाती है उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में रांची बरका कानाका गढ़वा और रोड डेहरी ऑन सोन सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते विशाखापट्टनम से बनारस के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भी लिया गया। ये स्पेशल ट्रेन विशाखापट्टनम से 19 अप्रैल से 17 मई तक हर हफ्ते बुधवार को चलने वाली है। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन बनारस से 20 अप्रैल से 18 मई तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। आपको बता दें कि गंगा पुष्कर 2023 के अवसर पर विशाखापट्टनम से वाराणसी के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।